हेलो फ्रेंड, मैं जुगलकिशोर स्वामी आज आपके बीच में सिमिलरिटी पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले आपको सिमिलरिटी के 2 वीडियो मिल चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम सिमिलरिटी का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, कैसे हम अगर कोई इसका 2 सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ हो तो हम उसकी भुजाओं के साइड के बारे में पूरी की पूरी इसमें डिटेल से बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, अपने को 2 ट्राइंगल दे रखा है, उसका नाम है एबीसी। ये एबीसी है और ये ट्राइंगल है पीक्यूआर। जो बातें अपने को फाइंड करनी है, ये करनी है कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया और ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया होगा वो क्या होगा, एबी की स्क्वायर अपॉन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये पीक्यू की स्क्वायर के इक्वल होगा और बीसी क्यूआर बीसी की स्क्वायर अपॉन क्यूआर की स्क्वायर और ए सी का दे दिया एम और इसका नाम दे दिया एन, यानी ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन। पी क्यू एन ये दोनों ट्राइंगल है कि ये और ये इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल एम और एंगल एन है वो कितने कितने डिग्री का, 90। अपने को इसे पहले वाले वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी 2 ट्राइंगल कि अगर 2 कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया, तो ये क्या आ गया, एंगल एंगल रूल से क्या हो गया, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ये सिमिलर हो गया तो ये क्या आ गया कि जो 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो उसकी भुजाएँ हैं वो एक अनुपात में आती है। तो इसकी भुजाएँ क्या आएगी, ए बी, ए बी अपॉन क्या आ गया पी क्यू इज इक्वल टू ए एम। ए एम का मान क्या ले रखा है, एच वन और इसका मान ले रखा है एच टू। तो यहाँ से देखिए ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अपने को पता है कि ये क्या आते हैं, ये यहाँ पे ये मान आ गया। अब यहाँ से देखिए कि अपने को ये 2 ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उसकी संगत भुजाएँ भी क्या होती है, एक अनुपात में होती है, यानी ए बी के अपॉन में क्या आता है पी क्यू और बी सी के अपॉन में क्या आता है क्यू आर और ए सी के अपॉन में क्या आएगा पी आर। ये बात अपने को पहले दी रखी है, दे दिया हुआ है, क्योंकि ये पहले इन्होंने सबसे पहले यही बात की है कि ट्राई एंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो यहाँ से देखिए अपने को चाहे इसमें से कौन सी साइड लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ इस बात से ये बात प्रूव हो रही है कि ये ए बी अपॉन, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ मैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू है एच वन अपॉन एच टू के। तो यहाँ से अपने को बी सी अपॉन क्यू आर किस गए ए बी रख सकते हैं, एच टू अपॉन एच वन इसके बी सी अपॉन क्यू आर किस गए यहाँ से देखो, यानी क्या रख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, एच डैश अपॉन एच टू की जगह क्या रख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू रख सकते हैं। इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कि ए बी की स्क्वायर अपॉन पी क्यू की स्क्वायर। अपने को यही फाइंड करना था कि अगर इसका एरिया कोई भी 2 समरूप त्रिभुज है उसका अगर क्षेत्रफल है वो उसकी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी एक संगत भुजा के वर्ग के समानुपात में होती है। तो अपने को इसी प्रकार हमने एक भुजा ली है, इसी प्रकार हम कौन सी भुजा को हमें प्रूव कर सकते हैं। अपने पास इससे बेस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं इस थ्योरम पे कि अगर कोई 2 ट्राइंगल है उसका एरिया दे दिया जाएगा और उसकी एक साइड दे दी जाएगी और उससे पूछेगा कि क्या आ रहा है। अभी हम इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तब आपके और दिमाग में आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो वापस देखें कि अपने को क्या दे रखा था कि 2 सिमिलर 2 समरूप ट्राइंगल दे रखे थे
और उसका क्षेत्रफल का ये बात थी कि अगर उसका क्षेत्रफल है वो उसकी भुजा ए संगत भुजा के वर्ग के समानुपात में होता है, तो ये बात हमने प्रूव की है। तो हम आगे देखिए, अब अपॉन पी आर की स्क्वेयर के इक्वल होगा, ये बात हम प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। आप हमेशा ये बात याद रखनी होती है कि अगर कोई दो ट्राइंगल समरूप ट्राइंगल दे दिया जाए, अगर वो सिमिलर है तो उसकी समरूप त्रिभुज दे दिया जाए, उसका क्षेत्रफल है उसकी एक संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती के बराबर होता है। तो देखिए अपने ये क्यों होता है, ये अपने को डायरेक्ट याद रखनी है, ये कंक्लूजन याद रखना है। और ये कंक्लूजन आया कैसे, हम इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए अपने पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, हमें ये पता है कि अगर दो ट्राइंगल अगर वो समरूप दे दिया जाए तो वो ए के इक्वल क्या आता है, पी आता है, और बी के इक्वल क्या आएगा, क्यू आएगा, और सी के इक्वल क्या आएगा, आर आएगा। तो ये कैसे आता है हम देखते हैं कि यहाँ से कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है हाइट, इसकी हाइट क्या ले लेते हैं h1 और इसकी हाइट ले लेते हैं h2। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 अपॉन 2 b इंटू एच, आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। तो यहां अपने पास इस ट्राइंगल का आधार क्या आएगा, BC आएगा, क्या आएगा, BC, BC ले लो चाहे AB ले लो, आधार कौन सा है ले सकते हैं, BC अपॉन इस ट्राइंगल का आधार क्या लिया हमने, BC लिया है, और हाइट क्या ली है, H1 लिया है, और इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू क्यू आर इंटू एच टू, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ट्राइंगल ABC का एरिया अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल, BC अपॉन क्यू आर इंटू एच वन अपॉन एच टू। यहाँ से ये देखिए ये क्या है, एल्टीट्यूड है, ये क्या है, एल्टी यानी शीर्ष लंब है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से आप देखिए कि यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे थे ए बी, इसका नाम उससे आगे देखिए कि अगर अपने को दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हो कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो जब इसका एरिया अपने को फाइंड करेंगे, दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हो तो उसका एरिया ए बी सी का एरिया और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया है वो संगत भुजाएं ए बी की स्क्वेयर अपॉन पी क्यू की स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी की स्क्वेयर अपॉन क्यू आर की स्क्वेयर ए सी की स्क्वेयर अपॉन पी आर की स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एल की स्क्वेयर अपॉन पी एल की स्क्वेयर पी एम ए एम की स्क्वेयर अपॉन पी एम की स्क्वेयर ए एम की स्क्वेयर अपॉन पी एम की स्क्वेयर और ए बी वन बी वन और ए पी बी टू की स्क्वेयर और
ए आर वन की स्क्वेयर अपॉन पी आर टू की स्क्वेयर ए आर वन की स्क्वेयर अपॉन ए आर पी आर टी की स्क्वेयर पी आर टू की स्क्वेयर। अब यहाँ देखिए, यहाँ एल क्या है, शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड है शीर्ष लंब। उसके बाद यहाँ एम है, एम क्या है, मीडियन माध्यिका। और यहाँ बी वन क्या है, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। फिर आर वन क्या है, स्मॉल आर वन क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और कैपिटल आर वन है परिवर्त की त्रिज्या। ये सारे के सारे मान हैं, वो कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दे दिया जाए तो उसके वर्ग के उस कोरस्पोंडिंग साइड के वर्ग के समानुपाती में होता है। तो ये आप अच्छी तरह देख लीजिए, अगर इसका अपने को दे दिया जाए परिमाप तो वो अलग होगा, वो आगे देख रहे हैं। अगर अपने को ये ट्रायंगल सिमिलर दे दिया जाए तो उसका अगर परिमाप का पूछे तो क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी का परिमाप और ट्रायंगल पीक्यूआर का परिमाप के बारे में पूछे तो इसका रेशियो आएगा, वो आएगा एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर और एसी अपॉन पीआर, एएल1 अपॉन पीएल2, पीएल एल1 और एल2। और यहाँ ए एम वन अपॉन आएगा पी एम टू और पी बी वन ए बी वन अपॉन आएगा पी बी टू और ए आर वन अपॉन आएगा ए आर टू और ए कैपिटल आर वन अपॉन आएगा कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल आर टू का मान आएगा। हमने अगर इसका क्षेत्रफल का जो एक अनुपात आएगा वो तो आएगा इसके वर्ग के अनुपात में, वो तो आएगा इसके वर्ग के अनुपात में, और अगर इसका परिमाप का आएगा तो स्क्वायर हट जाएगी। ये बात ध्यान से आप देख लेना। तो अब आगे देखिए, आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल का जो भी अनुपात आएगा वो आपके बारे में बताया गया है और ये कंक्लूजन है, वह आप अच्छी तरह याद कर लेना। तो इसके बारे में आगे हमें एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये कैसे और कहाँ काम आते हैं इनके बारे में। तो देखिए, देखिए दोस्तों, अपने को दो ट्रायंगल दे रखा है और दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। इसका मान है, नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर है। इसकी ये साइड अपने को फाइंड करनी है, इसकी ये साइड है वो टेन है, ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। इसका जो परिमाप दे रखा है वो 36 है और इसका दे रखा है 24 है, तो अपने को इसके साइड बतानी है। तो देखिए, अपने को इसकी साइड लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी का परिमाप अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर का परिमाप इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं। ये बात अभी हम पढ़ के आए हैं, इसको क्या कर देंगे, इस साइड भेज देंगे। ए बी का मान चाहिए अपने को, तो ए बी इज इक्वल टू 36 अपॉन कितना गया, 24 इंटू क्या आ गया, 10। ये डिवाइड में था, इंटरचेंज हुआ तो मल्टीप्लाई में आ गया। ये
एक टेबल से कट गया ए बी, मान आ गया 3/2, 12 की टेबल से कट गया, ये आ गया 10। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ से कट गया तो ये कितना आ गया 3 × 5, यानी कितने सेंटीमीटर आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। ये साइड कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए दोस्तों, ये साइड 15 सेंटीमीटर आ गई, अगर हमारा ये कैलकुलेशन पड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, कितना इजी सा क्वेश्चन बन जाता है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसमें देखते रहना चाहिए, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसे आगे अपने और क्वेश्चन है एक, इसी में बता देता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल है वो क्या है, समरूप है, और इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल और इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल दे रखा है, तो अपने को एक साइड दे रखी है और उस साइड से भी दे रखा है। देखिए तो देखिए, इसका मान दे रखा है 64 और इसका मान दे रखा है 121। इसका मान अपने को पता करना है और इसका मान दे रखा है 15.4। तो हमने क्या पढ़ा था कि ट्राई एंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्राई एंगल पी क्यू आर का एरिया इजिकल टू इसकी ये साइड कि बी सी की स्केयर अपॉन क्यू आर की स्केयर, यहाँ से इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसका मान दे रखा है अपने को 64 और इसका मान दे रखा है 121। बी सी अपॉन इसका मान दे रखा है 15.4 की होल स्क्वायर। तो देखिए, जब इसका स्केयर स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8/11 इजिकल टू कितना आ गया, बी सी अपॉन में कितना आ गया 15.4। यानी ये किस में डिवाइड में इंटरचेंज होगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 8/11 × 15.4 बी सी इजिकल टू 8 × इससे ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1.4। बी सी इजिकल टू का मान कितना आ गया, 11.2 सेंटीमीटर। यानी ये कैलकुलेशन पढ़ा हुआ था अपना का एरिया वाले से और परिमाप वाले से, एरिया वाला और परिमाप वाले से हमने दोनों से पढ़ा है कि इस के कितने इजी क्वेश्चन हो जाता है। इसमें एरिया वाले से हम बी सी का मान 11.2 सेंटीमीटर इसका मान निकाल दिया। देखिए, अगर हमने ये थ्योरम अगर बेसिक से पढ़ी है तो ये कभी नहीं भूलेंगे और आसानी से हमें ये क्वेश्चन कर देंगे। और अपने को ये भी बताया कि क्यों कैसे आया था, क्योंकि इसका बेस पढ़ा हुआ होगा तब तो आसानी से कर देंगे, अन्यथा आपने एक क्वेश्चन दे दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके वो की वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए आगे, देखिए दोस्तों, अपने को ये दे दिया जाए कि एक सड़क के दोनों ओर दो पोल लंबवत खड़े हैं और इस पोल को यहां से इंटरसेक्ट, ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों पोल है वो क्या है, पैरेलल है। और यहां से ये कितने डिग्री का, यानी ये अपने को लाइन पूछे कि इनकी जो दोनों लाइन आ रही है वो कितने पे इंटरसेक्ट करेगी। ये एक्स मान लिया जाए तो ये वाई मान लिया जाए, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है, यानी एच का मान क्या आता है, वो आता है एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई आ जाता है। अपने को इसका मान दिया हो तो जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो देखिए अपने को ये अगर कोई ट्राइंगल दे दिया जाए, इसी का मान दे दिया जाए कि अपने को अगर इसका मान दे दिया जाए कि ये 6 है और ये कितना है, 4 है, तो अपने को इसका मान चाहिए, h का मान चाहिए, कहाँ इंटरसेक्ट कर देनी, 6 × 4
और 6 प्लस कितने आ जाएंगे 4, एच का मान कितना आ जाएगा 24 अपॉन 10, यानी एच का मान कितना 2.4 सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को ये क्वेश्चन निकालने में, ये क्वेश्चन करने में कितना इजी हो जाता है। अब हम इसमें, मैं पहले ही इससे बता चुका हूँ आपको कि हम ये बेस पढ़ेंगे कि ये इसका जो ये फॉर्मूला आया था ये क्यों कैसे आया था, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल से हमें पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, तो हम मैं एक बार इसको आपके सुविधा के लिए, ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसीलिए मैं एक बार ये लाइन मिटा देता हूँ, ये लाइन मिटा देते हैं। तो यानी ये क्या है x है, ये क्या है h है, यानी इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, और ये क्या आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है, यानी बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल का देखिए, यानी ये इस, ये और ये क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी दो एंगल हो गए ना, दो एंगल हो गए, तो ये साइड भी क्या आ गई, ये एक एंगल भी क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक अनुपात में होती है, तो ये क्या है एक्स है और ये क्या है एच है, ये साइड आ गई, अब ये साइड आ गई, तो अब इस साइड का देखिए, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, ये अगर ए है तो ये क्या है बी है, तो यानी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड होगी ए प्लस बी और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड होगी बी, ये आ गई इक्वेशन आ गया फर्स्ट। इसको यहाँ से मिला देता हूँ वापस, अगर इस ट्राइंगल में इसको अगर मिटो दिया जाए, अगर इसको मिटो दिया जाए तो यहाँ से देखिए बराबर कर रहा हूँ मैं इनको, इसको मिटो दिया जाए तो यानी ये एंगल दोनों ट्राइंगलों में छोटे वाले में और बड़े वाले में, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है और ये भी क्या बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है, तो छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल क्या है इक्वल, यानी सिमिलर है, सिमिलर है, तो यानी क्यों है सिमिलर, क्योंकि एक एंगल इसमें क्या है कॉमन आ रहा है, ये 90 डिग्री है तो ये भी इसमें कितने डिग्री का 90, ये अगर 90 है ये भी 90 है तो ये पैरेलल होगी और ये भी इसके इक्वल होगी। अगर भी ये भी इसके इक्वल अपने को नहीं पता चले तो किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, इसलिए बड़े वाला ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, समरूप हो गया, ये साइड वाई है और ये साइड क्या है एच है, तो यहाँ से क्या आ गया इसकी साइड ये साइड लेते हैं तो वाई और ये साइड लेते हैं तो ये क्या आता है इसकी एच आती है, क्यों, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि कोई भी समरूप त्रिभुज है उसकी संगत भुजाएं एक अनुपात में होती है, इसकी बड़े वाले की ये साइड क्या आ जाएगी ए प्लस बी और इसकी छोटे वाले की भुजाई क्या आ जाएगी ए आ जाएगी, छोटे वाले की भुजा क्या आ जाएगी ए आ जाएगी। अब मैं इस लाइन को क्या कर देता हूँ वापस मिला देता हूँ और ये क्या आ गई इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब हम इसको इक्वल करके इसके इक्वल रखेंगे, ये देखते हैं यहाँ से कि इसका डिवाइड करते हैं, एक्स अपॉन एच इजिकल टू ए अपॉन बी प्लस क्या आ गया 1, क्योंकि इसमें इसका डिवाइड किया, इसमें इसका डिवाइड किया, और यहाँ से भी क्या करते हैं तो यहाँ से इसको 1 को क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, तो x अपॉन एच माइनस 1 इजिकल टू क्या आ गया a अपॉन बी आ गया। यहाँ से इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो एलसीएम क्या इसके अपॉन में 1 लगा दिया एलसीएम आ गया h, तो यहाँ क्या आ गया x माइनस एच इजिकल टू क्या आ गया a अपॉन बी, यहाँ से ये मान अपने निकाल लिया। अब इसी प्रकार इसको करते हैं y अपॉन एच इजिकल टू ए में a को a से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये क्या आ जाएगा b अपॉन a आ जाएगा, a 1 को इंटरचेंज कर दो y अपॉन एच माइनस 1 इजिकल टू आ गया b अपॉन a। अब क्या करेंगे इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा h, ये आ जाएगा y माइनस h इजिकल टू क्या आ गया b अपॉन a, यहाँ क्या है a अपॉन b, यहाँ क्या है b अपॉन a,
तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा एच वाई माइनस एच इजिकल टू क्या गया, ए अपॉन बी। देखिए इसका भी ए अपॉन बी का मान है और ये भी क्या ए अपॉन बी का मान है, तो इसको इक्वल रखते हैं, इसको इक्वल रखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है एक्स माइनस एच अपॉन में क्या है एच इजिकल टू, यहाँ क्या है एच अपॉन क्या है वाई माइनस एच, और वाई माइनस क्योंकि ये भी ए अपॉन बी है और ये भी ए अपॉन, यानी ए अपॉन बी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाता है x माइनस एच और y माइनस एच इजिकल टू क्या आ गया h की स्केयर आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा एक्स एच, यानी इसका इससे यहाँ क्या आएगा माइनस वाई एच, माइनस माइनस प्लस हो गया एच की स्केयर इजिकल टू क्या हो गया एच की स्केयर हो गया। यहाँ से अपने क्या करते हैं कि इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ क्या आ गया एक्स वाई इजिकल टू, यहाँ से देखिए एक्स वाई आ गया और यहाँ से एच की स्केयर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसका मान आ गया एक्स एच प्लस क्या आ गया वाई प्लस एच आ गया, वाई प्लस एच आ गया तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा एक्स वाई और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है h आ रहा है, तो ये क्या आ गया x प्लस वाई यहाँ पे आ गया। अब इसको x प्लस वाई को इंटरचेंज कर देंगे यहाँ बच जाएगा h, तो क्या आ गया h इजिकल टू एक्स वाई अपॉन में क्या आ गया x प्लस वाई। हमने क्या फॉर्मूला था, यही था कि x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, यानी कोई भी दो पोल हो, एक छोटा पोल हो और दो एक बड़ा पोल हो, यानी दो पोल हो और उसकी छाया है वो एक दूसरे को कितनी ऊंचाई पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये क्या है इसके एच का मान है या इसकी लाइटें भी कह सकते हैं। तो देखिए आप इस पर आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया और यहाँ से ये क्या है एच की वैल्यू आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।